हाय ब्यूटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ए ब्यूटीफुल सा करवा चौथ मेकअप लुक। मैंने यहाँ पे नेवी ब्लू साड़ी एंड पिंक ब्लाउज पहना हुआ है, इसलिए मैंने अपनी नेवी ब्लू स्मोकी आई की हुई है। अगर आप लोग कोई नेवी ब्लू साड़ी या फिर ड्रेस पहनने वाले हो तो इस लुक को आप लोग क्रिएट कर सकते हो। और इस लुक को वैसे भी शादी फंक्शन आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हो। एक बहुत ही प्यारा मेकअप लुक है और ये लुक ना पर्सनली मुझे इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा। अरे भाई, साल में एक ही दिन तो होता है करवा चौथ, जिस दिन हम अपने पति के लिए सजते संवरते हैं। और पति के लिए सजना संवरना तो बनता ही है। अगर आप लोग इस मेकअप लुक को क्रिएट करते हो ना तो आपके पति की नज़र आपसे नहीं हटने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो आईडी स्क्रीन में दिख जाएगी, फॉलो कर सकते हो। चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय ब्यूटीज, आप लोग देख सकते हो मैंने ब्लाउज एंड साड़ी पहन ली है, क्योंकि जिससे कि आप लोगों को आई मेकअप ठीक से समझ में आए। तो मेकअप से पहले हम करेंगे अपना स्किन केयर, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टिशू लूँगी, टिशू की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। अगर आप लोग मेकअप करने के तुरंत पहले फेस वॉश करते हो तो आप लोगों को इस स्टेप को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को फेस वॉश किए हुए एक दो घंटा हो चुके हैं तो आप लोग एक टिश्यू की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद हमें अप्लाई करना होता है टोनर। तो टोनर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डाबर गुलाबरी का रोज वाटर एज अ टोनर। तो इसको मैं अपने फेस पर इस तरीके से डैप डैप कर लूँगी। और मेकअप से पहले स्किन केयर ज़रूर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइजर क्रीम। मॉइस्चराइजर क्रीम के लिए मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की रोजिप मॉइस्चराइजर क्रीम ली हुई है। इसको मैं लेके अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज क्रीम यूज करिएगा। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करिएगा, अगर ड्राई है तो कोई थिक मॉइस्चराइजर लीजिएगा। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी सीरम। सीरम के लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोजिप सीरम ले रही हूँ। मैं अपना स्किन केयर अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि करवा चौथ में हम लोग सारा दिन व्रत रहते हैं, हमारा चेहरा एकदम मुरझा सा जाता है। तो अगर आप लोग स्किन केयर अच्छे से करेंगे तभी आप लोगों का बेस फ्लॉलेस एंड ग्लोई लगेगा, इसलिए आप लोगों को अपना स्किन केयर में पूरा पूरा ध्यान देना है। उसके बाद हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सब अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए हमारे स्किन में। जब तक हम कर लेंगे आईब्रो। आईब्रो के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के आईब्रो पैलेट। इससे मैं डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। और मेरी आईब्रो शेप में नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला पार्लर जाने के लिए, तो मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को हल्का हल्का फिल करूँगी। नेक्स्ट हम एक स्पूली लेंगे, स्पूली की हेल्प से ब्रश कर लेंगे जिससे कि हमारी आईब्रो नेचुरल दिखे। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं इनसाइट का प्राइमर ले रही हूँ। एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है और अच्छा है प्राइमर, आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। उसके लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYV का कंसीलर, और कुछ इस तरीके से मैं अपनी लिड में अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं अपना आई बेस रेडी करूँगी, क्योंकि आई मेकअप हम पहले करने वाले हैं, उसके बाद फेस मेकअप करेंगे। तो मैं अपनी आईब्रोज के ऊपर कुछ इस तरीके से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मेरी आईब्रो सेम में नहीं है, जिससे कि हमारी आईब्रो क्लीन एंड क्लियर दिखे। उसके बाद हम लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर हम जब भी यूज करेंगे, हमें ब्यूटी ब्लेंडर पानी में भिगो के उसका पानी निकाल के तभी यूज करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज पाउडर लेके अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी के पैलेट में से पिंकिश ब्राउनिश कलर है, इसको लेके मैं अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी। तो हम अपनी क्रीज लाइन में कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ब्लेंडिंग हमें अच्छे से करनी होगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक नेवी ब्लू कलर की पेंसिल, इसको मैं अपने लिड में अप्लाई कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी मैं। तो स्लोली स्लोली हमें अप्लाई करना है, हड़बड़ी में नहीं करिएगा, क्योंकि ये डार्क आई मेकअप है, आई मेकअप ख़राब भी हो सकता है। और उसके बाद एक मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
मैं पहले एक ही आई करूँगी, अगर दोनों आईज में मैं एक साथ में अगर पेंसिल अप्लाई करके रखूँगी ना तो फिर ड्राई हो जाएगा, ब्लेंडिंग होने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इस तरीके से मैं अपनी दोनों आईज में अप्लाई करके ब्लेंडिंग कर लूँगी, मैंने ब्लेंडिंग अच्छे से करना है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम ब्लेंड करते जाएंगे। इतना होने के बाद हमें ब्लू कलर का आई शेडो लेके और मैंने जो पेंसिल अप्लाई की थी उसी के ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देंगे हम और ब्लेंड करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने दोनों आईज में कर लेना है। इसके बाद मैं फिर से वही पैलेट में से पिंकिश ब्राउन कलर लेके अपनी क्रीज लाइन में इस तरीके से ब्लेंड करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी जिससे कि हमारा ब्लू एंड और जो मैंने पिंकिश कलर लिया हुआ है दोनों अच्छे से एक साथ मर्च हो जाएं। तो इस तरीके से बस ब्लेंड करते जाएंगे। उसके बाद मैं उसी आई पेंसिल को एज अ काजल अप्लाई कर लूँगी। आप लोग देख सकते हो कितना ईजी है आई मेकअप, और देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना मैंने बहुत कठिन होगा, है ना, ऐसा लग रहा था ना। और उसके बाद मैं वही पिंकिश ब्राउन इस कलर लेके अपनी लोअर लैश लाइन में स्मर्च कर लूँगी। उसके बाद आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे लैक्मी का आईलाइनर ले रही हूँ और मैं बस नॉर्मल सा आईलाइनर अप्लाई करूँगी, कोई बिंग ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं फेस टिशू लेके अपने फेस को थोड़ा थोड़ा क्लीन करूँगी। फॉल आउट तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था लेकिन डार्क आई है, थोड़ा बहुत फॉल आउट हुआ था तो मैं अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा लिया हुआ है। तो मैं अपनी लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन को अच्छे से कोट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट, इससे मैं एकदम लाइट ऑरेंजेस शेड लेके अपनी अंडर आई में इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का। और जब हम लोग ना डार्क आई करते हैं ना तो उसके बाद हमारी अंडर आई कुछ ज़्यादा ही डार्क दिखती है, उस टाइम में हमें कलर करेक्टर का यूज करना ही चाहिए। अगर आप लोगों के फेस में दाग धब्बे या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तब भी आप लोग कलर करेक्टर का यूज ज़रूर करिएगा। और बस कलर करेक्टर मुझे जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरी है मैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर से वही ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, उसके हेल्प से एकदम हल्का हल्का ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑफ कैमरा फॉल से अप्लाई कर ली है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे लैक्मी 925 का प्राइमर मैट फाउंडेशन ले रही हूँ। इसमें मेरा शेड है 120। एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है और ये मुझे ना पर्सनली इसलिए ज़्यादा पसंद है, ये मेरे स्किन टोन के एकदम मैचिंग का है। और अभी आप लोग देख सकते हो जब मैं ब्लेंड करूँगी तो एकदम मेरे स्किन मैंने स्किन की मैचिंग का बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ऑक्सीडाइज भी नहीं होता ज़्यादा, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मेबलिन का फाउंडेशन वो भी बहुत अच्छा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, उसकी हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। आप लोगों को ब्लेंडिंग में प्रॉपर ध्यान देना है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है और मेकअप करने बैठे तो थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा, तो मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हमें मेकअप करते समय कभी भी अपना नेक एरिया नहीं भूलना है, तो नेक में भी मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है, मैं नेक में भी ब्लेंड कर लूँगी उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। क्योंकि नहीं तो अगर हम नेक एरिया में फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फेस एंड नेक अलग दिखेगा जो कि बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैं अपना नेक एरिया नहीं भूलना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक कंसीलर, मैंने यहाँ पे एन बेबी का कंसीलर लिया हुआ है और मैं कंसीलर की हेल्प से अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी जहाँ जहाँ कंसीलर की ज़रूरत है, मैंने जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर का यूज किया है वहाँ वहाँ मैं कंसीलर यूज कर लूँगी। अपने अंडर आई फोरहेड ब्रिज ऑफ द नोज मैंने जहाँ जहाँ ज़रूरत है। उसके बाद मैं फिर से वही ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो लेकिन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा ही पसंद है। आप लोग देखते होंगे मैं सारे के सारे मेकअप वीडियो में ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करती हूँ, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से ना बहुत ही अच्छा नेचुरल फिनिशिंग मिलता है, इसलिए मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा ही पसंद है। आप चाहो तो ब्रश का भी यूज कर सकते हो।
उसके बाद मैं ले रही हूँ एन बाई बी की कॉन्टोर स्टिक। इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूँगी। नेक्स्ट फिर से मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कॉन्टोर को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट हम अपने बेस को सेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एम बाई बी का लूज पाउडर लिया हुआ है। इससे मैं सबसे पहले अपने अंडर आई में अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं अपने पूरे फेस को हल्का हल्का लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर लूँगी। आप चाहो तो कोई कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज कर सकते हो, और लेकिन लूज पाउडर ना अंडर आई में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारा कंसीलर अच्छे से सेट हो जाता है और जल्दी से क्रीज भी नहीं करता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी अंडर आई में हमेशा कोशिश करिएगा लूज पाउडर से सेटिंग सेट करने का। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लश। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट लिया हुआ है। इसमें से मैं 3 सेट को मिक्स करके एजेस को ब्लश अप्लाई करूँगी। और आप लोग आजकल देख रहे होंगे मैंने ज़्यादातर यही पैलेट यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये पैलेट ना मुझे इतना पसंद है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड भी है इसके ब्लश एंड हाइलाइटर। तो मैं मुस्कुराऊँगी और मुस्कुराते हुए अपने चीक्स पे ब्लश अप्लाई कर लूँगी और हल्का सा नोज में अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि नेचुरल लुक आए। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, तो उसी पैलेट में से मैं हाइलाइटर लेके अपने सारे हाई पॉइंट को हाईलाइट कर लूँगी। लास्ट स्टेप है हमें अपने मेकअप को सेट करना होता है, तो हमने यहाँ पे ले रहे हैं एन बाई वी का सेटिंग स्प्रे। इसकी हेल्प से मैं अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। तो अब हम लास्ट में अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, तो हमें अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना होता है। उसके लिए मैंने हिमालय की लिप बाम ली हुई है। आप लोग जब मेकअप शुरू करें तभी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लीजिएगा। मैं पता नहीं क्यों हर बार भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने लास्ट में लिप्स को मॉइस्चराइज किया हुआ है, उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर डार्लिंग इजेबेला की लिपस्टिक ली हुई है। इसमें मेरा शेड है 2, एक बहुत ही प्यारा शेड है, माने कोरल एंड पिंक इसका मिक्स है। और इनकी लिपस्टिक ना बहुत अच्छी होती है, लिप्स को ड्राई भी नहीं करती हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। तो फिर चलो आ जाओ देख लो हमारा फाइनल लुक।